डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम मिस सुसाना, आप फिजिक्स सब्जेक्ट टीचर. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर 1 साउंड इन न्यू बुक. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड इन ऑल फिजिक्स बुक्स दिस चैप्टर इज 12. वेव एंड साउंड जो है इस चैप्टर में जो है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि साउंड आप लोग जानते हैं प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन जो है वो वेव्स बनाती है. तो जिस तरह आपको बताया कि अगर पानी में अगर पत्थर डालें तो आपको एक साउंड भी सुनाई देगी और साथ साथ उसमें सर्कल्स भी बनते चले जाते हैं. वेव्स एक्चुअली आपको बताया कि वेव जो है वो क्या है, ये एनर्जी को जो होती है ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह. साउंड एंड लाइट जो है टाइप्स ऑफ वेव जो इनविजिबल होती हैं. इसके अलावा जो है आप लोगों को ऑसिलेशन वगैरह वाइब्रेशन, अब मैं जो है उसी लिहाज से अब आपको आज क्वेश्चन आऊँगी मैं और वेव की मैं आपको डेफिनेट लीजिए. पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिफाइन द फॉलोइंग. तो इसमें पहले मैंने वेव को डिफाइन किया है. व्हाट इज वेव? वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम बाय कॉजिंग डिस्टरबेंस इन द मीडियम. मैं मतलब ये है कि जब तक आप मीडियम को जो है उसमें एक डिस्टर्बेंस नहीं होगी किसी, तो उससे आवाज़ नहीं पैदा होगी. मतलब मैंने बताया कि जैसे पत्थर पानी में पत्थर डाले तो आपको एक साउंड नज़र आएगी, इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग को खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी और उसमें वाइब्रेशंस भी पैदा होगा. तो अब ये वाइब्रेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, ये मोशंस के बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं. ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन जो है कंटिन्यू होता है, एक मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पर जाते हैं फिर उसके बाद वापस आते हैं. इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी स्विंग, झूले में जिस तरह बैठते हैं तो आप ऊपर जाते हैं फिर वापस नीचे आते हैं उसके बाद फिर उसे आगे की तरफ जाते हैं. यानी एक सर्कल या राउंड में जो मोशन हो रहा होता है उसे हम जो है ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, और कंप्लीट जो मोशन होता है उसको एक ही बात से जो है हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है? द पीरियोडिक बैक एंड फ्रॉथ मोशन अलॉन्ग द सेम पाथ इन अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन. फिक्स पॉइंट और सेंट्र मेन पॉइंट और या जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं. What is periodic motion? A motion which repeats itself in equal intervals of time is called periodic motion. यानी एक ही टाइम में जो है एक जो सर्कल पूरा हो रहा है उसे हम periodic motion कहते हैं. इसके बाद displacement जो है distance of a vibratory body from the mean position at any instant is called as a. देखिए जिस तरह यहाँ मैंने आपको सिंपल पेंडुलम की मिसाल दी थी ऑसिलेशन में कि ये बॉब जो है जब इसको मरकर देते हैं तो पहले ये ऊपर जाएगा एक्सट्रीम पे फिर ये वापस आएगा. तो ये जब ये जो इतना वापस आने पे ये डिस्टेंस कवर करता है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, फिर ये वापस इधर जाएगा. अब यहाँ से यहाँ जाने के बाद फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आने का जो पूरा एक होता है वो एक टाइम में जो पूरा सर्कल बनता है उसे हम वाइब्रेशन या उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जो एक यूनिट टाइम में एक सेकंड में जितना सर्कल कंप्लीट होता है उसे हम एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, जितने वाइब्रेशन एक सेकंड के अंदर होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. एक वाइब्रेशन ये होता है कि यहाँ से पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ वापस आएगा. अब जब भी आपको पता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ के तहत जब भी कोई मतलब बॉडी मूव करती है डिस्टेंस कवर करती है तो क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है. यानी आप बॉडी को यहाँ से इधर तक गए ये तो डिस्टेंस कवर किया, वापस इधर आए तो एक्सेलरेशन पैदा हो. यानी इसमें एक किसी कोई मास मूव करता है तो वो उसमें एक वो जो है वेलोसिटी पैदा होती है. वेलोसिटी क्या है? इन यूनिट टाइम में जो है डिस्टेंस कवर होता है उसे हम वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कहते हैं. तो अब अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है कोई डिस्टेंस किसी टाइम में कवर कर रही है तो वो उसे हम उसका एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, तो ये पीरियोडिक मोशन क्या है कि और फिर उसके बाद वापस एक ही टाइम में एक सर्कल आ रहा है जा रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस जो है दोनों साइड में से जहाँ एक मेन पोजीशन से किसी भी साइड में एक्सट्रीम पे जाता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ
मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी एक बॉडी से यहाँ से जो सबसे उसमें एक्सट्रीम तक जा रही जगह तो वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज डिनोटेड बाय एफ, और फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी, यहाँ टी जो है वो टाइम पीरियड है। अभी मैंने क्या बताया, एक जो वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन क्या है, जो पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है और एक सेकंड के अंदर जितने वाइब्रेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इतनी डेफिनेशंस हैं जो आपको करनी है। इसके बाद है ये टाइम पीरियड, टाइम टेकिंग टू अ कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इट इज डिनोटेड बाय टी, इट इज मेजर्ड इन सेकेंड। इसके बाद है वेवलेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट और ट्रफ, इट कैन बी मेजर इन सेंटीमीटर्स और मीटर, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। ये देखिए जब क्रस्ट ही होता है, ये जो है ये टफ जो बन रही है जो होता है क्रस्ट और ये टफ होता है, जब वेव्स बनती हैं उस तरीके से होती हैं तो ये क्रस्ट और वेव्स हम इसी को कहते हैं। अब ये जो दूसरी डेफिनेशन है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम एस एच एम से शॉर्ट में भी लिख लेते हैं, द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी एक बॉडी जो है जिस तरह ये पेंडुलम में होता है कि ऊपर जा रही है फिर वापस आ रही है, यानी अपने मीन पोजिशन पर वापस आ रही है, तो वो कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल पेंडुलम है, मास अटैच वन साइड ऑफ द स्प्रिंग। अब इसमें देखिए स्प्रिंग से जो है एक मास जो है अटैच है, इसको हम खींचेंगे तो वापस क्या होगा, फिर ये इधर आएगा, एक डिस्टेंस कवर करने के बाद इसे छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आएगा। तो ऐसा मोशन जिसमें जो है एक्सेलरेशन टूवर्ड दी मेन पोजिशन होता है उसे हम सिंपल हारमोनिक मोशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैंने दो दे दी, एक जो है वो जो है बॉडी जो अटैच है वो, और एक दूसरा जो है सिंपल पेंडुलम। इसके बाद है क्वेश्चन, ये है प्रूव वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो मास अटैच है उसके साथ स्प्रिंग के साथ, तो ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि अब कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम इज अटैच टू द फ्री एंड द क्वेश्चन इज, हम वाइब्रेटरी मोशन प्रूफ करेंगे इस प्रैक्टिस के जरिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। कंसीडर द बॉडी ऑफ मास एम इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, अदर एंड इज फिक्स्ड। इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड देन रिलीज, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, द फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जब भी बॉडी मैंने हम मास जो है हरकत करता है तो क्या होता है, इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैदा होती है। अब स्प्रिंग में आप देखें अगर खींचेंगे तो वापस डिफॉर्मेशन होती है, वापस अपनी जगह पे भी आ जाता है। ठीक है, अब इसे खींचेंगे यहाँ पे तो यहाँ से इसने इस जगह तक गया, फिर इसको अगर हम छोड़ देंगे, दैट द मास ऑफ गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय अ फोर्स इज द अप्लाइड फोर्स, क्या हो जाएगी फोर्स जो है वो किसके में हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्स। एक्स क्या है, डिस्टेंस है और की जो है वो कॉन्स्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स इज अपोजिट टू द टू दैट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, वी राइट हुक्स लॉ विद द नेगेटिव, यानी अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसे यहाँ इसे माइनस के एक्स के तौर पर कहेंगे क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है। के इज द कॉन्स्टेंट स्प्रिंग। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हमने इसे माइनस शो किया। अब ए किसके बराबर हो गया, एफ अपॉन एम, और अगर हम एफ की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी तो क्या हो गया, ये के एक्स और ये हो गया एम, क्योंकि दिस टाइप ऑफ मोशन दैट इज हैज एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजिशन विच इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखें इस मोशन में क्या है कि जब हम इसे खींचते हैं तो ये वापस क्या होता है, अपनी जगह पर आता है, यानी फोर्स के हमेशा अपोजिट जो है कर रहा होता है, तो इसे हम नेगेटिव साइन से शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन क्या है,
टूवर्ड्स द फोर्स अब वो कर रहे हैं, यहाँ से हमने खींचा फिर यहाँ वापस आए, तो इसे हम क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्ट उसकी मेन पोजीशन पर वापस आ रहा है इसीलिए इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है कि वो जो है एक्सेलरेशन जो होता है किसकी तरफ होता है, डायरेक्टली टूवर्ड द इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरह ये सिंपल पेंडुलम की एक सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें बॉब को जब मूव करते हैं तो ये पहले ऊपर जाता है फिर वापस क्या होता है मेन पोजिशन पर आता है। A simple pendulum consists of a small bob suspended from a frictionless rigid support by means of weightless and inextensible string from a fixed support. यहाँ एक वो जो है इसके साथ एक फिक्स उसमें लगा हुआ है अटैच हुआ हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और इसके साथ स्ट्रिंग डोरी है जिसके साथ ये अटैच है। When we displace the bob from its main position हो to a new position A and allow it to go, it will move towards O when it the action of gravity, but due to the inertia it will continue to move towards point B. अब देखिए inertia का क्या है कि अगर कोई body जो है वो जो है इसको फोर्स अप्लाई नहीं की तो रेस्ट पोजीशन में, तो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही हो तो वो मूव कर रही है। अब हम इसको जब यहाँ हरकत देते हैं तो वो क्या होता है ऊपर जाती है लेकिन जो ग्रेविटी होती है सेंट्रल ग्रेविटी इसको वापस अपनी जगह पे लेकर आती है, लेकिन क्योंकि ये इस पर जो है इनर्शिया जो है वो क्या है इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो तो वापस क्या होगा ये फिर ऊपर जाएगा जब तक हम इसे रोकने की कोशिश ना नहीं करेंगे। तो ये जो है इसकी मूव करेगा फिर बी पे जाएगा फिर मेन पोजीशन पर आएगा फिर उसके बाद ये वापस जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट एक्सेलरेशन इन सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। अब देखो जो है एक्सेलरेशन जो है पैदा हो रहा है मूव करने की वजह से, लेकिन क्या हो रहा है एक्सेलरेशन बॉडी की तरफ करी वापस मेन पोजीशन। गाड़ी आप चलाते हैं तो जब एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है वो आगे जा रही होती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ग्रेविटी की वजह से बॉडी जो है वापस मेन पोजीशन पर आ रही है यानी नेगेटिव आ रही है उसके डायरेक्टेड पोजिशन में आ रही है, ठीक है। इट मीन द पोजिशन देयरफॉर द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक कैन बी कंसिडर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है कि बॉडी जो है क्या होता है कि उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो मेन पोजीशन की तरफ ही होता है, ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड द मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम। सेंट्रल पोजीशन जो है इसे हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं या हम इसे मेन पोजीशन भी कह सकते हैं। अब जो है यकीनन आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ आ गया होगा और साथ साथ मैंने जो दो उसकी एग्जाम्पल दी हैं एक ये कि बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग एंड एक बॉडी मूव विद द स्ट्रिंग, ठीक है, बॉब मूव कर रहा है जो है सिंपल पेंडुलम में। दोनों में मैंने बताया है कि जो मूवमेंट हो रही है जो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी तरफ है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन का है कि उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो किसकी तरफ होता है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम या सेंटर पॉइंट या मेन पॉइंट, ठीक है, मेन पोजिशन। तो ये आपको बता दिए इसी तरह, इसमें आप लोगों को जो है इसमें जो है एक वैल्यू जो फार्मूला बता दिए इसकी वैल्यू भी बता दिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। देखिए वेव जो होती है वो दो तरह की होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है जिस तरह स्प्रिंग में होती है वो क्या होती है सीधी सीधी होती है, ठीक है, यहाँ से जाएगा फिर वापस आ जाएगा, लेकिन जो पानी में उसमें बनती है वो कैसे बनती है ट्रफ बनता है क्रस सेंटर, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये टाइप की जो वेव्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और जो इस तरीके से बन रही होती है वेव उन्हें हम हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो इसकी पहला जो डिफरेंस इन दोनों में क्या है दीज आर द वेव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज एट राइट एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम द डायरेक्शन ऑफ वेव्स प्रोपगेशन, ठीक है। इसमें क्या है The waves in which the particles of medium vibrate in the direction of motion of wave are known as longitudinal waves. ठीक है, longitudinal waves जो है वो जो है waves की direction में बन रही है particles move कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है ऊपर नीचे हो रहे होते हैं यानी right angle इस तरह का angles बना रहे होते हैं, ठीक है, ऊपर बन रहे हैं।
दूसरा जो है दीज कंसिस्ट ऑफ क्रैश सेंटर, जैसे मैंने बताया कि इसमें क्रैश सेंटर बन रहा होता है, ऊपर नीचे हो रही होती है, और इसमें क्या है दे कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है जो इसमें बनती है वो क्या होती है, वो जो मूव कर रही होती है वो किस तरीके से होती है, आपस में पहले दबाव रहती है फिर खींच रही होती है, उसमें दब रही होती है फिर खींच रही होती है। ठीक है, मैं कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता दूँ, जिस तरह इसमें जो कर रहे होते हैं वो किस तरह होता है कि यानी वेव जब बनेगी वो इस तरीके से बने, कंप्रेस भी हो रही होती है और रिलीज भी हो रही थी, कंप्रेस हो रही होती है और रिलीज हो रही होती है। ठीक है, यानी खींच रही दब रही होती है और बढ़ रही होती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है वेव बन रही ऊपर नीचे बन रही, इसमें स्ट्रेट बन रही होती है। दे कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा इसके बाद है नंबर थ्री है देयर वेलोसिटीज डिपेंड अपॉन टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम। ट्रांसवर्स जो है इसमें टेंशन जो है जब भी कोई बॉडी हैंग होती है तो क्या होता है उस पर एक टेंशन अप्लाइड होता है, तो ये जो इस किस्म की जो वेव्स बन रही होती है उसमें टेंशन होता है, वेलोसिटी जो होती है इस पर डिपेंड होती है कि वो कोई चीज़ कितनी जो है उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है ऊपर नीचे। ठीक है, और इसी तरह उसकी लेंथ जो है मास पर यूनिट लेंथ, उसका एक यूनिट में उसका कितना मास है तो वो जो है मीडियम का उसमें करता है। जिस तरह ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है लाइट वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं और वेव्स ऑन स्ट्रिंग, स्प्रिंग में सॉरी एस पी आर आई एन जी लिखा हुआ है, यानी वेव्स इन स्प्रिंग जो होती है वो वेव्स ऑन इन स्ट्रिंग या एस टी आर आई एन जी, ट्रांसवर वेव जो है स्ट्रिंग्स में ही है। ठीक है, इसके बाद है स्प्रिंग में नहीं बल्कि स्ट्रिंग ही है एस टी आर आई एन जी, जिस तरह बॉक्स में पेंडुलम में होता है ऊपर नीचे हो रही थी वेव बन रही थी वो स्ट्रिंग पोजिशन कहलाती है। इसके जो इसकी है इसकी एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो क्या है साउंड वेव्स है, और मैंने इसकी एक एग्जाम्पल जो दी है कि वो स्प्रिंग कोई मास स्प्रिंग से जो अटैच होता है वो जो है वो किस तरह की वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ड्राइव एन इक्वेशन बिटवीन वेलोसिटी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब वेव वेलोसिटी क्या है, अ सिंपल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द वेवलेंथ पीरियड एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव, द स्पीड ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन अ यूनिट टाइम। लेकिन जो वेव में होता है वो क्या टाइम पीरियड और वेव लेंथ होता है, और वेलोसिटी के क्या हुए हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के क्या फॉर्मूला है एस अपॉन टी, एस जो है वो डिस्टेंस है टी फॉर टाइम है। अब यहाँ एस की जगह क्या आता है वेव लेंथ आ गई और टाइम पीरियड जिसे आप कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और ये लैम्डा जो है वेव लेंथ से, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, क्योंकि t किसके बराबर है 1 अपॉन f। टाइम पीरियड क्या है कि एक सेकंड के अंदर जो है मतलब फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन जो हो रही होती है और जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसका रिलेशन जो है 1 अपॉन f होता है, टाइम जो है 1 अपॉन f इसका है, या f जो है वो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन से। ठीक है, अब जो है v, अब हम इसकी जगह t की इस वैल्यू की जगह हमने क्या ले लिया, ये हमने उसकी वैल्यू ले ली लैम्डा की, इसकी फ्रिंग ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी 1 अपॉन एफ, अगर एफ इधर आ जाएगा टी इधर आ जाएगा, अगर मैं इसको यूँ करती हूँ तो ये क्या हो गया एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एफ आ गया, अब ये यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से कर दिया, अब इसकी वैल्यू जो है टी की वैल्यू क्या चीज़ होगी ऊपर आ गई, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया एफ अपॉन वाई, क्योंकि यहाँ पे टी जो है वो क्या है नीचे है, तो जब मैं इसको क्रॉस में करूँगी तो मैं इसे ऊपर कर दूँगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी फिर मैं ऊपर ले आऊँगी क्योंकि यहाँ टी नीचे है, अब मैंने फ्रीक्वेंसी जब इसको मैं यहाँ करूँगी फ्रीक्वेंसी ला रही तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्रॉस हो जाता है जब आपको पता है जब हम एक वैल्यू दूसरी जगह लाते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है ऊपर चली जाती है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज जो है वो कितनी है 3 × 10⁻¹ एम एस एम माइनस वन, यहाँ इसलिए लिखा है कि अगर हम ऑब्लिक लिखी को हटा दें तो यहाँ पर हम माइनस वन की पावर कर देते हैं, क्योंकि नीचे के जब पॉजिटिव साइन ऊपर आती है तो वो नेगेटिव हो जाती है,
द वेलोसिटी ऑफ साइंस साउंड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा कि वेलोसिटी जो है उसमें बहुत डिफरेंस है लाइट में और साउंड में, वो डिफरेंसेस आ गए। तो इसी वजह से जो है यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड आप देख रहे कम है उसी में। तो ये आज का जो है आप लोगों का काम जो है मैंने वाइब्रेशन और वेव्स के हवाले से दिया है, और वो जो है अब जो नेक्स्ट जो होगा तो उसमें मैं साउंड के हवाले से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ठीक है, ओके।